जय माता दी, जय माँ कामाख्या। कामाख्यवर देवी स्वतवासिनी कम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्य काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। काम दे काम रूपस्थे सुभगे सुरसेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धये। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंड मालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देही में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल 9893128047 व्हाट्सएप नंबर। और यदि आपको कोई प्रश्न वगैरह करना हो, क्यूरी हो, तो उसके लिए 7649862712। यदि किसी का चंद्रमा अशुभ है और उसके पास पत्रिका नहीं है, तो चंद्रमा अशुभ होने पर मनुष्य को कौन कौन से सिम्टम मिलते हैं? तो चंद्रमा अशुभ हो जाने पर चांदी की कोई भी चीज, आभूषण, अंगूठी, चेन, कुछ भी हो सकता है, या मोती कह लीजिए, वह खो जाता है। किसी भी मनुष्य का यदि चांदी की चेन, चांदी का कड़ा, चांदी की अंगूठी या चांदी का कोई भी आभूषण, या हाथ में पहनने वाला मोती या गले में पहनने वाला मोती, ये खो जाए या गुम जाए तो समझ जाओ चंद्रमा अशुभ हो गया है। किसी भी मनुष्य के पास एकदम सफेद तथा सुंदर वस्त्र हो, नया वस्त्र भी हो, और वह अचानक फट जाए तो समझ जाओ कि चंद्रमा खराब हो गया है। या फिर ऐसे सफेद वस्त्र जो बहुत सुंदर हैं, उनमें छेद हो जाए, उन पर कोई गहरा धब्बा लग जाए, यानी उस कुर्ते पजामे की कोई चीज, यानी सुंदरता चली जाए, तो मान करके चलो कि चंद्रमा खराब हो गया है। यदि व्यक्ति के घर में पानी की टंकी है, वो लीक होने लग जाए, तो समझ जाओ चंद्रमा खराब होने वाला है या हो गया है, अब वो नुकसान देगा। या नल आदि के जल स्रोत खराब होने पर वहां पे पानी व्यर्थ बहने लग जाए, तो समझ जाओ कि चंद्रमा खराब हो गया है। पानी का घड़ा अचानक टूट जाता हो, घर में कहीं न कहीं व्यर्थ जल एकत्रित हो जाता है, दुर्गंध देने लगता है, तो समझ जाना चाहिए कि चंद्रमा खराब है। और चंद्रमा खराब होने लगता है तो माता जी को कष्ट होने लगता है, और या फिर अन्य किसी प्रकार से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। कोई नवजात कन्या होती है, उसे किसी भी प्रकार से तकलीफ हो सकती है। कोई मनुष्य है यदि उसका चंद्रमा खराब होने लगता है तो उसे मानसिक पीड़ा होती है। किसी महिला से लड़ाई झगड़ा वाद विवाद हो सकता है। जल से जुड़े रोग हो सकते हैं, कफ की बीमारी हो सकती है, जलोदर रोग हो सकता है, जुखाम हो सकता है, खांसी हो सकती है, नजला हो सकता है, हेजा हो सकता है। प्रेम प्रसंग में भावनात्मक आघात लगता है, यह उसका रिजल्ट होता है। समाज में अपयश का सामना करना पड़ता है, तो समझ जाओ चंद्रमा खराब है।
मन में बहुत अशांति और बेचैनी हो तो समझ जाओ कि चंद्रमा खराब हो गया है। घर में कोई भी जो पालतू पशु था वो मर जाए, घर में सफेद रंग वाली खाने पीने की जो वस्तु होती वो कमी होने लग जाए, उनका नुकसान होने लग जाए, दूध उफनने लग जाए, दूध ढुल जाए, तो समझो चंद्रमा खराब है। और मानसिक रूप से पागलपन की स्थिति आ जाए तो समझो चंद्रमा खराब है। तो यह थे सिम्टम और उसके तथ्य कि चंद्रमा खराब होता है तो मनुष्य को क्या क्या चीज का सिम्टम से, संकेतों से पता लग जाता है कि चंद्रमा खराब हो गया है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। चंद्रमा को ठीक करने के लिए ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। रोहिणी नक्षत्र के मंत्र का भी जप करके हवन करना चाहिए। और जिसका चंद्रमा खराब हो जाता है उसे श्री भोलेनाथ जी की पूजा ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। ओम श्राम श्रीम श्रोम सह सोमाय नमः। ओम श्राम श्रीम श्रोम सह सोमाय नमः इस मंत्र का जप करते रहना चाहिए। जय माता दी, जय मां कामाख्या।